मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए, मैंने बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। मेरी नंद की सगाई है, मतलब मेरे छोटे दादा ससुर की बेटी की बेटी की सगाई है। तो आज मेहमान मेरे मायके में ही आने वाले। पहले तो मतलब जन्माष्टमी देते हैं ना, तो मेरे मायके में है और फिर सारे मेहमान इकट्ठा होके दुल्हन वाले के घर पर जाएंगे। तो देखते हैं मेहमान अब कितने टाइम में आते हैं। गाइस, मेहमान आ चुके हैं और यहाँ बन रही है चाय और यहाँ एक ही जीभ आई है अभी, तो यहाँ पानी की ट्रे जमा के रखे है और ये रही चाय। तो जैसे जैसे मेहमान आएंगे वैसे वैसे सर्व करेंगे। एक घंटे मेहमान नहीं आए हैं, मतलब पहले एक जीभ आ गई है और उसके बाद अब बाकी के आएंगे। तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे उन्हें देंगे और फिर तैयार होंगे मेरी जो बुआ सास है उनके घर जाएंगे। मेहमान लोग आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 12, दोपहर के 12 बज चुके हैं। बहुत लेट हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं सगाई में जाने के लिए। ये रहे मेरे हस्बैंड जी, ये रही दुल्हन और यहाँ पे पूजा चल रही है। लगुन लिखाई की जो पूजा होती है ना, दोनों समधी लोग मिलके करते हैं और पंडित जी करवाते हैं ये पूजा। वही पूजा चल रही है अभी और ये रही है बाराती, मतलब मेहमान लोग जो लड़के वालों की तरफ से आए हैं वो है ये मेहमान। ये पूजा होने के बाद दोनों को टीका लगेगा। टीके में दुल्हन वाले दूल्हे को और दूल्हे वाले दुल्हन को कपड़े देते हैं सगाई में पहनने के लिए, लेकिन आजकल टाइम की कमी के कारण पहले ही कपड़े दे देते हैं ताकि समय ख़राब ना हो। और अभी के ही टाइम में दूल्हे वाले दुल्हन को गहने भी देते हैं और अब दूल्हे को टीका लगना शुरू हो गया है। यहाँ पे 5 लोग दूल्हे को पैसे देंगे और उसके बाद दुल्हन आएगी। यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है, हम लोग दुल्हन के पीछे बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे दुल्हन को 5 लोग पैसे देंगे और उसके बाद और यहाँ पे दुल्हन को चढ़ावा चढ़ रहा है। इसमें इस डरले में दुल्हन के पास साड़ियाँ आई हुई है और चूड़ी आती है और सैंडल आती है जो शादी में पहननी रहती है। और ये रहे दुल्हन के गहने जो कि दूल्हे वालों की तरफ से आए हुए हैं। और ये होने के बाद में दुल्हन दूल्हे स्टेज पे चले जाएंगे और हम लोग खाना एंजॉय करने आ गए हैं। अब बहुत टाइम हो चुका है तो भूख भी लग चुकी थी हमें। 5 बज चुके हैं अभी, तो हम सब मिलके खाना एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा आरू बच्चा, फ्रॉक पहनी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है आरू। उसे खुद को भी फ्रॉक पहनना बहुत पसंद है। और ये रहे आरू के पापा, हाय बोल रहे हैं आप लोगों से। और ये रहा और बच्चे का प्यारा सा लुक, देखिए कैसे चल रही है, चलने का भी बहुत शौक आ रहा है इसे। और फिर हम लोग आ गए अब फोटो खिंचवाने। ये रहे दुल्हन दूल्हे प्यारे से कपल और ये रही हमारी फैमिली जो कि फ़ोटो खिंचवाने का वेट कर रही है। एक शादी वाला दिन ही रहता है जिसमें दुल्हन दूल्हे सेलिब्रिटी बने रहते हैं और शादी के बाद की हालत तो आप सभी को पता ही है क्या हो जाती है। जो भी इतनी वैल्यू है, मतलब फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना, ये सब शादी में ही होता है। और ये रहे मेरे देवर और ये रहे मेरे हस्बैंड जी और आरू को देखिए कैसे देख रही है। और ये भैया और यहाँ पे सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि देवर भाभी साथ में और मज़े ना ले एक दूसरे की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और ये सारे लोग फैमिली के ही है। और ये रहे उज्ज्वल भाई और ये है मेरी चाची सास और ये रहा आरू बच्चा, जो भी नीचे कचरा था ना वो बिन रही है आरू यहाँ पे। उसे एक खेल सूझ रहा था ये सब बिनने का, जो पार्टी बम आते हैं ना वो फोड़ रहा था यहाँ पे, तो बस उसी का कचरा नीचे फैला हुआ है तो वही समेट रही है आरू। और ये आयंस, आयंस भी उसकी हेल्प कर रहा है आरू की कचरा बिनने में। दोनों बहन भाई बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं यहाँ पे। सही भी है, बुआ की सगाई है भाई, ऐसे गंदगी थोड़ी नहीं रहने देंगे, मिलके साफ तो करना ही पड़ेगा, वही बात हो रही है यहाँ। आरू को बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे खेलने में क्योंकि उसे एकदम फ्रीली खेलने को मिल रहा था, जैसे चाहे वैसे। और आरू से उसके दादू मिलने आए हुए हैं।
बच्चा खरगोश को खिला रहा है खाना। हाय बोलो, हारो हाय बोलो। अभी मूड नहीं है उसका, अभी खरगोश को खाना खिला रही है वो। तो गाइस हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।